ऐसी बात ही है। हेलो मेरी, कैसी हैं आप? ठीक है, थैंक यू सो मच। अच्छा तो लीड में कौन है मेरे साथ? शीना। वेल दैट्स ग्रेट। हाँ हाँ, आई वुड लव टू वर्क इन योर सीरियल। ठीक है, मैं शाम को आपके घर आ जाता हूँ, तो मुलाकात करते हैं। ओके बाय। शीना का नाम सुनते ही तुम्हारे चेहरे का रंग कुछ बदल गया है खुशी से। अच्छा तो लो भाई, वापस उदास हो जाता। या फिर बात दरअसल ये है कि शीना बहुत ही टैलेंटेड उभरती हुई अदाकारा है। बहुत से लोगों का ये ख्याल है कि मैं उसके साथ काम करूँ तो हम दोनों की जोड़ी बहुत हिट हो जाएगी। बस इतनी सी बात है ना, इसके अलावा तो कुछ नहीं है। और क्या हो सकता है, मैं उसके साथ सिर्फ प्रोफेशनली ताल्लुक है। असल में तो तुम्हारी रैपो देखते हुए तुम पर यकीन तो नहीं करना चाहिए, लेकिन दिल है कि मानता ही नहीं। यही तो बात। ये तो रही सच्ची कहानी। अब इसमें थोड़ी सी रंग आमेजी कर लेंगे। मसला ये है कि लड़की सलीम को तलाश करने जापान चली जाती है, वहां उसको हमारा हीरो मिल जाता है, सलीम नहीं मिलता। इस अरसे में नाजियो को उस नौजवान से मोहब्बत हो जाती है, फिर वो लोग शादी कर लेते हैं और हैप्पी एंड्स पर सीरियल का खात्मा। ठीक है, पर वो हीरो जापान में क्या कर रहा है? वो सोच लेंगे कुछ और। देखिए, मैं तो आपके पास इसलिए हाजिर हुआ था कि अगर आपको ये आइडिया पसंद है ना, तो फिर इस पर काम किया जा सके। आइडिया ठीक है, आप एक वन लाइन तो बनाए ना ताकि चैनल से अप्रूवल ले लूं। ठीक है, चाय पिए, ठंडी हो रही है। सुल्तान साहब छोड़ते नहीं है आप सिगरेट, हैं छोड़ दें आप। आहिस्ता चलाओ। अच्छा भाई, आहिस्ता चला रहा हूँ। मुझे ये बताओ कि इससे आहिस्ता मैं कितनी चलाऊं? अब सही है। वैसे साकिब, तुम्हें छिछोरी हरकतें नहीं करनी चाहिए। हॉर्न बजा रहे और न जाने क्या क्या, मोहल्ले वाले अजीब नजरों से देखते हैं। शीना, इसलिए तो मैं तुम्हें कहता हूँ कि ये इलाका छोड़ दो। तुम्हारी ये जो मिडिल क्लास मेंटेलिटी है ना, ये भी चेंज हो जाएगी। अच्छा छोड़ो, मैं तुम्हें आज अपने ना एक फेवरेट पॉइंट पे लेके जा रहा हूँ। हाँ थोड़ी स्पीड दो। नहीं, ये स्पीड बिल्कुल सही है। हम दो दिन बाद पहुंचेंगे वहां पे।